हेलो स्टूडेंट, वी कैन स्टार्ट अवर फिफ्थ चैप्टर इन ईवीएस। द चैप्टर नेम इज फूड एंड हेल्थ। सो लेट्स स्टार्ट। आवर बॉडी नीड एनर्जी टू ग्रो, वर्क, थिंक एंड प्ले। गिव फूड गिव्स अस दिस एनर्जी। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारा जो बॉडी है उन्हें एनर्जी चाहिए होता है बढ़ने के लिए, काम करने के लिए, सोचने के लिए, खेलने के लिए। और खाना जो होता है, मतलब फूड जो होता है, वो हमें एनर्जी देता है। और फूड हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल्स और प्लांट्स से, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। We get carrots, pearls, fruit and vegetable from plants. Some people eat only those food which we get from plant. They are called vegetarian. हमें दाल, सब्जी, फल, फूल, ये सारे जो होते हैं वो प्लांट से मिलते हैं, ये सारी चीज़ें। और कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ वही चीज़ें खाते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, और वो लोग वेजिटेरियन कहलाते हैं। We get milk, egg and meat from animals. Some people also eat meat, chicken, fish along with the food we get from plant. They are called non-vegetarian. हमें दूध, अंडे, मीट, ये सब एनिमल्स से मिलता है। और कुछ पीपल जो होते हैं ना, वो मतलब वो प्लांट से जो हमें फूड मिलता है उनके साथ साथ मीट, चिकन, फिश, ये सब भी खाते हैं, और वो लोग नॉन वेजिटेरियन कहलाते हैं। फूड ग्रुप। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हेल्प अस इन डिफरेंट वे। द फूड कैन फूड वी ईट कैन बी डिवाइडेड इंटू सर्वल ग्रुप्स, सर्वल फूड ग्रुप्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फूड होता है वो हमें बहुत डिफरेंट वे में हेल्प करता है, और हम लोग इन फूड्स को बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एनर्जी गिविंग फूड। फूड लाइक राइस, व्हीट, शुगर, बटर एंड पोटैटो गिव्स अस एनर्जी। दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। फूड जैसे कि चावल, गेहूं, मतलब चावल, आटा, चीनी, मक्खन, आलू, ये सब जो होते हैं वो हमें एनर्जी देते हैं, इसलिए इन्हें एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। बॉडी बिल्डिंग फूड। फूड लाइक पर्ल्स, चीज़, मिल्क, फिश, एग एंड मीट हेल्प अस टू ग्रो एंड मेक आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। और उसके बाद दाल, चीज़, दूध, मछली, अंडे, मीट, ये सब जो होते हैं वो हमें बढ़ने में हेल्प करते हैं, और हमारे बोन्स को, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इसलिए इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। प्रोटेक्टिव फूड। फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल कीप्स अस एक्टिव एंड फिट। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। फ्रेश फ्रूट मतलब ताजे फल या सब्जियाँ जो होते हैं वो हमें एक्टिव और फिट रखते हैं, और साथ ही हमें बीमारियों से भी दूर रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारी, इसलिए इन्हें प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। मूव टू नो। मिल्क इज़ अ कम्प्लीट फूड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन। इट हेल्प इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स। मतलब कि मिल्क जो होता है वो एक कम्प्लीट फूड है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बढ़ते हुए मतलब बड़े जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उन्हें देने के लिए देना चाहिए उन्हें, और ये हमें हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है। कुकड एंड रॉ फूड। वी नीड टू कुक आवर फूड बिफोर ईटिंग इट। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड ईजी टू डाइजेस्ट। मतलब हमें खाना खाने से पहले उसे पकाना चाहिए, और पकाने के बाद खाना जो होता है वो सॉफ्ट होता है, टेस्टी होता है, और डाइजेस्ट करने में ईजी होता है। हाउएवर देर आर सम काइंड फूड्स लाइक कैरेट, रेडिश, टमाटो एंड फ्रूट दैट कैन बी ईटन रॉ। और बट उसके अलावा कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जैसे कि कैरेट हो गए, गाजर हो गए, मूली हो गए, टमाटर या कुछ, और फ्रूट्स जो होते हैं वो ऐसे ही कच्चा ही खाया जाता है, रॉ ही खाया जाता है। मील्स। वी ईट 3 मेन मील्स इन अ डे। हमें दिन में 3 बार मेन मील्स खाना चाहिए। ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, लंच इन द आफ्टरनून, डिनर एट नाइट। ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में, लंच आफ्टरनून में एंड डिनर नाइट में। थैंक यू।